नमस्कार, मैं आपके साथ काजल तिवारी और आप देख रहे हैं आई4ई न्यूज। उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल की लापरवाही का एक और मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक महिला अपने बच्चे को लेकर मदद की गुहार लगा रही है। महिला ने दावा किया है कि इस हॉस्पिटल में थैलेसीमिया बच्चों को संक्रमित और खराब खून चढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों की हालत गंभीर होती जा रही है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं काजल बलवान हूँ। ये मेरा बेटा थैलेसीमिया मेजर पेशेंट है, भावेश बलवान है, 16 साल का है। इसका ट्रीटमेंट सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 में चल रहा है। यहाँ अभी कुछ फॉल्ट होने लगे हैं, जैसे ब्लड में कुछ फॉल्ट है। अभी वो तो डॉक्टर्स को बताया कि क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। जैसे मेरे सामने शुभम को मेरे सामने ही रिएक्शन हुआ है, सीरियस कंडीशन हो गई थी, वो कहीं और शिफ्ट होके वहाँ ट्रीटमेंट उसी वक्त इमिजिएटली ली, तो अभी वो ओके। आशीष को भी प्रॉब्लम हुई थी। कावेरी एक पेशेंट है जो एक्सपायर हो गई है, और उनका ब्लेम भी हम पे किया जा रहा है, क्योंकि हम ट्वीट करते हैं या किसी प्रकार का कोई लेटर डालते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो इस वजह से वही सिस्टम चेंज हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, इसकी जिम्मेदार आप हो, ये हमें कहा जा रहा है। और अभी गौरव मोटवानी करके पेशेंट है, उसे भी ट्रांसफ्यूजन देते थोड़ा ही ब्लड जाते ही उसे कुछ रिएक्शन हो गया था, मेरे सामने की घटना है ये, और उसका ब्लड इमिजिएटली बंद कर दिया और छोड़ दिया, और कहीं और ट्रीटमेंट लेके अभी वो फिर से ट्रांसफ्यूजन ले रहा है। तो इसी प्रकार से हॉस्पिटल वाले हम पर, थैलेसीमिया बच्चों पर, थैलेसीमिया वार्ड पर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का ध्यान दे रहे। तो मैं आप सभी से ये विनती करती हूँ कि प्लीज थैलेसीमिया बच्चों पर ध्यान दीजिए, और यहाँ ट्रीटमेंट बच्चों को अच्छी तरह से मिले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स को कुछ अधिकारी नहीं है। और इसका सवाल मैंने डॉक्टर से किया तो उन्होंने ये कहा कि हमें एक हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चाहिए यहाँ पे इमीडिएटली, वहाँ हेमेटोलॉजिस्ट नहीं है हमारे यहाँ, तो उसका कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं तो आप करके दीजिए, हम उन्हें अपॉइंट करेंगे आपके लिए। लास्ट में हमें ये जवाब दे दिया गया है। पिछली बातें दोहराना चाहती हूँ। जैसे 2013 से हमने एक आंदोलन लिया, मिस्टर अशोक खटुजा नामक व्यक्ति जो हमारे हॉस्पिटल में थे, जो ट्रीटमेंट वगैरह प्रोसेस सब वही संभालते थे, डॉक्टर्स नहीं संभालते थे, उसका डॉक्टर्स नहीं आया करते थे, सिर्फ अशोक खटुजा जी संभालते थे। तो आज भी मैं ये कहती हूँ कि उनका रोल क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, और उनके खिलाफ मैंने मुहिम उठाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे उनका काम समझ में नहीं आया है। बहुत सारी तकलीफें हुई हमें, बहुत सारी बदतमीजी भी हुई, और आज भी उनका यही है कि मैं फिर से इस हॉस्पिटल में आऊं। आज भी जो भी ये सब हो रहा है, घटना हो रही है, मुझे ऐसे लगता है कि इसमें उनका ही हाथ है। मुझे सामने से धमकी दे दी गई है, जो पेशेंट कावेरी नाम की है, उनके पेरेंट्स ने मुझे मारने की धमकी दी है, और ये क्यों दी है? और उनकी एक और बेटी है थैलेसीमिया पेशेंट, वो जो सेंटर में अभी भी ट्रांसफ्यूजन ले रही है, हालांकि एक बेटी उनकी वहां एक्सपायर हो गई है और दूसरी बेटी वही ट्रांसफ्यूजन और ट्रीटमेंट ले रही है, उसके बाद मुझे धमकियां दी जा रही है, ये क्यों किस लिए? अब जो भी फॉल्ट हुआ होगा, एबीसी कुछ भी होगा, वो डॉक्टर से हुआ होगा, मुझसे तो नहीं हुआ होगा, मैं तो वहां थी नहीं, ना ही उस घटना के समय थी, ना ही मैं हॉस्पिटल संभालने वाली हूँ, ना ही हॉस्पिटल मेरा है, जो भी है डॉक्टर्स के हाथ में। तो प्लीज मैं ये कहती हूँ, ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि जैसे चल रहा है चलने दीजिए, बस जो रूल है, जो सरकारी तरीके से रूल है, रूल रेगुलेशन है, हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, बच्चों की बेहतरी की जरूरत है, इसके लिए हमें सहायता कीजिए। थैंक यू।